सतगुरु तुम हूँ दयाल हो, तुम लग मेरी दोर, जैसे काग जहाज को तो सूजे और अनठो। सूर्य पुत्रो उद्रिग दही विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारु प्रश्न हरतम पीड़ा हरतम मैं शनि। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। 17 दिसंबर सन 2013 और मंगलवार का दिन। क्यों है परेशान जब मैं आपके साथ हूँ? मुस्कुराइए ना। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आपकी हर खुशी का खजाना लेकर मैं आता हूँ आपकी पीड़ाओं से दूर करने। बस ये 15 मिनट टकटकी लगा, इन आँखों को देखते रहिए और ओम शम शनिश्चराय का जाप करते रहिए। 17 दिसंबर आपका जन्मदिन और आपकी शादी की सालगिरह है, तो मैं तह दिल से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप स्वीकार करें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, भगवान शनिदेव आप पर मेहरबान रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। 17 दिसंबर आपका जन्मदिन है और आपकी शादी की सालगिरह है, और आपको जीवन में कहीं कोई परेशानी है तो चांदी की बिना जोड़ का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करना बहुत शुभ और बड़ा सुंदर रहेगा आपको सोमवार के। हर रोज नित्य कर्म से नियुक्त स्नान उपरांत सलाक्षरी मंत्र का जाप करते ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार के जीवन मंत्र की। मंगलवार का दिन है आज, और मंगलवार का सुंदर जीवन ओम गोमध्य चराय नमः, ओम गोमध्य चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ और बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मंगलवार के पंचांग, मार्क्सिस्ट मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा विक्रम संवत 2070, प्रातःकाल नक्षत्र मृषिरा नक्षत्र चंद्रमा वृषभ राशि में। मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे लेकर 4:30 बजे तक, और राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, सलाह मेरी और मर्जी आपकी है, न माना रहे। और अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूँ, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं मंगलवार के राशिफल की, न माना रहे। मेष राशि, दिन अच्छा बीतेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, मनवांछित सफलता हासिल होगी, व्यावसायिक प्रयासों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और भाई बंधुओं का सहयोग अच्छा रहेगा, तर्क और वितर्क में भी आपको विजय मिलेगी, तर्क और वितर्क से छुटकारा भी मिलेगा, आयात और निर्यात के कार्य में लाभदायक अवसर नजर आ रहा है। क्या करें, संयमित होकर कार्य, क्या ना करें, आज के दिन वाहन में पूंजी निवेश ना करें, नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, ग्रहगोचर की गणनाओं की बात करो तो आर्थिक प्रश्न में सुधार होगा, समय आपकी पक्ष में करवट ले रहा है, गोचर आपकी पक्ष में करवट ले रहा है आपके निजगत कर्मों की वजह से, शारीरिक और मानसिक व्याधियों से राहत मिलेगी, कोई नया व्यवसायिक संबंध बनेगा और इस संबंध से आपको धन लाभ होगा, सुख के साधन बढ़ेंगे और दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य में धैर्य रखना बहुत जरूरी है आज, क्या ना करें, जरूरत की मदद से इनकार ना करें, नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, जिस तरह की घर योगा योग है, समय और प्रश्न में सुधार होगा, जो मन की बेचैनी है, मन की जो उठापटक है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, कार्यशैली में सुधार होगा, आय की प्राप्ति होगी, उलझने और परेशानियों से राहत महसूस करेंगे और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्या करें, मिथुन राशि वालों, कारोबारी यात्रा करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है, क्या ना करें, बस यात्रा में लापरवाही ना करें, नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, अचल संपत्ति में धन लगाना आज जोखिम भर रहेगा, आज कोई आप चल और अचल संपत्ति खरीद रहे हैं तो आज उसमें पूंजी निवेश करना ठीक नजर नहीं, व्यर्थ की झंझट और संशय की वजह से मन में परेशानियों का उबाग एकदम गुबार उठेगा, मन में संताप रहेगा, मन परेशान रहेगा, मन बेचैन रहेगा झंझटों की वजह से, आज पारिवारिक सहयोग नहीं मिल पाएगा, आज कारोबार के क्षेत्र में परेशानी आएगी। और जिस तरह के घर योगा योग, सुबह से लेकर शाम तक कर्क राशि वालों, समय थोड़ा सा सावधान है, क्या करें,
थोड़ा सा नए कार्य ऑर्डर के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या ना करें, अनावश्यक विवाद में ना पड़े। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ग्रह गोचर की बात करूं, सितारों की बात करूं, तो सितारे अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं। आज गोचर की अनुकूलता की वजह से उलझन पूर्ण स्थिति से बाहर निकलने में आप सफल हो जाएंगे। जो द्वंद्व है, जो उलझन है, जो टेंशन है भीतर में, जो एक खिंचाव चल रहा है, एक जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी। कारोबार के क्षेत्र में सफलता के योग है, किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है और दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, परिश्रम और लगन से कार्य करें। क्या ना करें, अत्यधिक साहस और जोखिम का कार्य ना करें। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, गोचर ये कह रहा कि किए गए प्रयासों की सराहना होगी और कारोबार में सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आज बॉस आपसे खुश रहेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है और आपको लाभ भी मिलेगा। कारोबारी परेशानियां और झमेलों से राहत मिलेगी। प्रश्न में सुधार होगा, शुभ कार्य की योजना सफल होगी, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। क्या करें, आज आप जमीन जायदाद भूमि भवन में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे का टाइम बड़ा अच्छा है। क्या ना करें, वरिष्ठ व्यक्तियों से संबंध ना बिगाड़े। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता हो। आज सफलता आपके मेहनत पर निर्भर, लेकिन किए गए प्रयासों के अनुकूल धन लाभ होगा। परिश्रम करने पर परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी, जनसंपर्क का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य मध्यम है, यात्रा सफल होगी और दिन ठीक बीत जाएगा। क्या करें, भूमि और वाहन संबंधी आज आप कार्य कर सकते हैं। क्या ना करें, किसी अनजान व्यक्ति से मित्रता ना करें। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, मन में उद्विग्धता के कारण कार्य क्षमता में विपरीत पर मन बेचैन रहेगा, मन थोड़ा सा डावाडोल लेगा और मन के डावाडोल होने के कारण कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आज अनजान मेहमानों के आगमन से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पड़ोसी और मित्रों से संबंध बिगड़ सकते हैं और आज का दिन बड़ा सावधानी से बिताना। वाणी पर संयम रखें, क्रोध ना करें और आज बहुत जरूरी है धैर्य और संयम। क्या करें, सामाजिक कार्य में भाग लेना बहुत जरूरी है, सामाजिक कार्य और सामाजिक रिश्तों की कदर करना भी बहुत जरूरी है। क्या ना करें, माता पिता से मतभेद ना रखें। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, गोचर संकेत दे रहे कि समय बड़ा शुभ है, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, पुराने वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, घर परिवार का सुख बढ़ेगा, लेन देन के मसले भी हल होंगे और अपनों का प्यार और पैसा भी मिलेगा। क्या करें, पारिवारिक सहयोग से कार्य करें। क्या ना करें, तो आज नया कार्य प्रारंभ ना करें। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, सितारे ऐसा ही संकेत दे रहे हैं, मामूली से प्रयास से कार्य सफल हो जाएगा, आर्थिक लाभ होगा, नवीन प्रेरणाएं प्रबल होगी, सुख और भोग के साधनों की उपलब्ध होगी और पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, काम भी बनेंगे। क्या करें, कार्य सफलता के लिए समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, आलस और निष्क्रियता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, समय मध्यम है और जब समय मध्यम हो, खर्चों पर काबू रखें और जो आपकी विचारधारा उसको संयमित रखना बहुत जरूरी है। व्यवसायिक स्थिति सामने रहेगी, प्रयास करेंगे धन लाभ होगा, प्रयास नहीं करेंगे धन लाभ नहीं होगा, मेहनत करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन गोचर की बात करूं तो दोपहर 12 बजे के बाद गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि मन की अभिलाषाएं पूरी होगी, क्योंकि प्रयासों और अनुकूल धन लाभ होगा। कई बार आदमी प्रयास करते धन लाभ नहीं, लेकिन आपको आज प्रयास करने से धन लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, सामाजिक कार्य को अवसर करने का अवसर प्राप्त होगा, दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। क्या करें, थोड़ा सा बुजुर्गों की आज्ञाओं का पालन करिए, माता पिताओं की आज्ञा का पालन करिए। क्या ना करें, कोई भी गैरकानूनी कार्य ना करें। नमन। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, सामाजिक और धार्मिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, गोचर ऐसा ही संकेत, इसलिए सामाजिक मर्यादाओं का पालन, नैतिकता का दामन पकड़ के रखें मीन राशि वालों, मुंह में राम बगल में छुरी, आज नुकसान दे जाएगा। पारिवारिक संबंधों में मन मुटाव और असंतुष्टि बढ़ेगी, इच्छाओं की पूर्ति में आज विलंब है, जो आपने सोच रहे उसको पूरा करने में आज थोड़ा सा समय लगेगा।
आज कष्ट है और परेशानी है, ये निजगत कर्मों के जो गोचर संकेत दे रहा है, आपके कर्मों के अनुसार गोचर आपको फल दे रहा है। इसलिए गरीब का सपोर्ट करें, वाणी पर संयम रखें, नैतिकता का दामन पकड़ रखें और रिश्तों की कदर करें। छोटा सा उपाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः बृहस्पति की बीज मंत्र का जाप दिन भर करिएगा, भगवान बृहस्पति आपका रक्षा करें। विशेष क्या करें, शुभ और मांगलिक कार्य में आपको हिस्सा लेना बहुत जरूरी, परिवार के जो कार्य संपन्न हो रहे उसमें आपको हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, कारोबार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में लापरवाही ना करें, न मनाएं। ये था 12 की 12 राशियों का राशि पर जो ग्रहों पर आधारित है। पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरा अनुभव है, न मैं दावे करता हूँ और न ही मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ। सेकेंड ओपिनियन आपका पूरा अधिकार है। हर रोज आपको मैसेज देता हूँ, उसके बावजूद भी सैकड़ों मैसेज मेरे पास मेल आते, दाती महाराज ऐसा ऐसा, आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली या फिर जो मैं रोज टोट के बताता हूँ, इन पे मैंने दाती उपाय खंड के नाम से और दाती अद्भुत नुस्खे, छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, अद्भुत नुस्खे हैं, इनके नाम से मैंने बहुत किताबें लिखी, इनको आप मंगाइए, पढ़िए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और इसको मंगाने के लिए www.sannidham.in में जाइए, वहाँ सारी जानकारी है, नहीं तो 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करिए, 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। घर बैठे आप जन्मकुंडली भी मंगा सकते, तो घर बैठे आप साहित्य भी मंगा सकते हैं। नमन, और बात करते हैं आज के उपाय। यदि राजनीति में सफलता नहीं मिली है, प्रयासों के बावजूद भी, सेवाओं के बावजूद भी सफलता ही नहीं मिल पा रही राजनीति में, तो रवि पुष्य नक्षत्र दिन गुल्लर की जड़ को घर लाकर गंगा जल से पवित्र करें। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करने बाद हर रोज चंदन की भांति घिस कर तिलक करें, बहुत सुंदर उपाय है, इसे आपका राजनीतिक वर्ष बढ़ेगा। नमन, और बात करते हैं दाती गुरु मंत्र की। ये जो आप मेरा चोला देख रहे हैं, ये मैंने अपने कल्याण के लिए धारण किया है, अपने जीवन को नवीन दिशा देने के लिए धारण किया है। लोक कल्याण की भावना से जो सेवा कर रहा हूं उसमें ही मेरा, उसी में, उसमें भी मेरा ही स्वार्थ है, क्योंकि इससे मुझे आनंद मिलता है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं सबको, चाहे आप संसारिक रहे चाहे गृहस्थी रहे, जगत का कल्याण की भावना, संपूर्ण जगत सुखी रहे, हर जीव का उद्धार हो, हर प्राणी का भला हो, ये जरूर मांगे। इसके अलावा कुछ मांगता भी नहीं हूं, और मैं मांग भी क्या सकता हूं, मैं तो खाली प्रार्थना कर सकता हूं कि जो परमानंद मैंने पाया है, जो अविनाशी मैंने अनुभव किया है, वो अनुभव आप सब तक पहुंचे, सभी उस परमानंद की अनुभूति को उपलब्ध हो। यदि आप बाहर की ओर जुड़ रहेंगे तो आप अपने से दूर रहेंगे, आत्मशक्ति से दूर रहेंगे, आपकी आत्मशक्ति क्षीण हो जाएगी। लेकिन जब आप अंतर्मन जुड़ेंगे, भीतर में जुड़ेंगे, उस ज्ञान के साथ जुड़ेंगे, उस चेतना के साथ, उस कॉन्शियस के साथ जुड़ेंगे, उस कास्मिक ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, उस सुपर कॉन्शियस के साथ जुड़ेंगे, उस सब कॉन्शियस के साथ जुड़ेंगे, जो भीतर की अनंत ऊर्जा है, जो इन्फाइनाइट है, उसके साथ जुड़ेंगे, तो आपकी आत्मशक्ति का विकास होगा, एक नया उद्गम प्रस्फुटित होगा और मानव तत्व का सदुपयोग हो जाएगा। ऐसा करने से आपका जीवन बड़ा सहज हो जाएगा, नए विचारों का संचरण होगा, परमात्मा से संगम हो जाएगा, और ऐसा संग जो निरंतर बना रहेगा, एक क्षण भी उस प्रभु से दूर रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको भी वो दिशा मिल जाएगी जो मुझे मिली है। लेकिन इसके लिए सदगुरु की शरण में जाकर उस तत्व ज्ञान को जानना, वो भीतर के नजारों को, वो युक्ति को जानना, और युक्ति ही जीते जी मुक्ति का मार्ग समझा देती है। आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। नमन, और बात करते हैं आज मंगलवार के सुझाव। आज मंगलवार दिन, और आज के दिन आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपको कोई भी दशा हो और कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, तो ये उपाय आपकी कार्य की दिशा बदल देगा। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म नहीं हो, स्नान और पीले रुमाल में 11 पीली कौड़ी बांधकर अपने 7 बार उसार कर पोटली बना दे। ये पोटली किचन के ईशान कोण में लटका दीजिएगा, अवश्य सफलता मिल जाएगी। काम बनने के बाद इसे बहते पानी में प्रवाह कर दे। नमनायन, आज इतना ही, कल के लिए है आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह, तो क्या है उपाय ये लेंगे बताऊंगा। और सुख शांति से वास्ता नहीं है, प्रयासों के बावजूद
लाख कोशिश के बाद सुख शांति आपके आसपास नहीं आ रही है, तो आपको आपकी सुख शांति कैसे मिले ये बताऊंगा। साथ ही बुधवार का सुंदर जीवन मंत्र, सुंदर राशिफल, बुधवार का उपाय सुझाव, धात्री गुरु मंत्र लेके आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।